मैं चेतन स्वरूप हूं मेरी ही छाया इस बुद्धि में जब पड़ी बात बारी के ध्यान से समझना जैसे ये सीसा सामने रखेंगे तो आपको आपकी शक्ल दिखेगी राइट अब जिसके पास होगा उसको दिखाएगा अगर शीशा इधर पास कर देंगे तो इसको दिखेगा उधर वाले को नहीं दिखेगा क्या होना चाहिए शीशे के सन्मुख जो होगा उसी का प्रतिबिंब शीशे में पड़ जाएगा इस बुद्धि रूपी शीशे के सबसे पास कौन मैं मैं हूं चेतन स्वरूप मुझ चेतन स्वरूप की ही छाया पड़ी अंतकरण के शीशे में तो क्या हुआ मेरी ही छाया से जो तैयार हुआ उसे हम कहते प्रतिबिंब क्या कहते द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस दैट एंटर्स इन टू दी इंटलेक्ट मेक्स इट कॉन्शियस बुद्धि जड़ है पर चेतन के प्रकाश को पा करके बुद्धि भी चेतन जैसी हो जाती धी तू द्विदा स्थित इस धी में दो स्थितियां बनती है। एक है एक अहम कृति एक बनी अहम मैं हूं ये बुद्धि में बना अन्य स्या और दूसरी क्या बनी अंत करण रूपिणी या दूसरा अंतकरण बना कुछ बात पकड़ में आई नहीं मुझ चेतन के प्रतिबिंब मेरी ही छाया पढ़ने से बुद्धि चेतन हुई और इसमें जागा मैं हूं अब ये जो मैं हूं है ये बुद्धि की वजह से है ये बुद्धि सुषुप्ति में नहीं होती इसलिए वहां मैं हूं भी नहीं होता जागने पर कहते हो मैं सोया था कुछ पता नहीं चला पर जब सो रहे थे तब क्या मैं का पता था नहीं क्यों वहां बुद्धि लीन हो गई अविद्या में इसलिए मैं हूं की फीलिंग वहां पर नहीं रहती मेरी ही छाया पड़ने से दो बने एक अहम वृत्ति और दूसरा आपका अंतकरण फंक्शनल हो जाता है जिसे को प्राण आ गए अंताकरण में अंताकरण के मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये जो अहंकार है अहम कृति ये चेतन की ही छाया है और ये जितने संकल्प विकल्प या निश्चय अनिश्चय या, या चित्त में जितनी स्मृतियां हैं ये सब की फंक्शनिंग भी कब हुई दो एक्टिविटी हुई ना मेरी रोशनी में मेरी ही प्रकाश में मेरी ही छाया से दो चीजें एक अहम कृति एक अहम वृत्ति और दूसरा अंताकरण रूपिनी अंताकरण भी जागृत मेरे ही वजह से होता है। ख्याल रहे अंताकरण जड़ है जिसे ए, जिसको प्रालसिसिस uh, हो जाए उसके पास हाथ तो है हाथ उठाने की इच्छा भी है लेकिन उसका हाथ उठता नहीं कभी कभी ऐसी अनुभूति साधकों को अक्सर होती है हमारे बहुत होती रहती थी बैठे आँख बंद किए अब आँख खोलना चाहते हैं आंख खुलती नहीं कितनी मस्ती अंदर आई हुई आंख खुली नहीं रही खोलना चाह रहे हैं आंख खुलती नहीं पैर खोलना चाह रहे हैं पैर खुलते नहीं मुझसे बोलना चाहते हैं बोला जाता नहीं पर अगर किसी को बीमारी हो जाए माने परालिसिस हो जाए तो वो चाह करके भी अपने हाथ पांव को फिर हिला नहीं सकता है क्यों वहां न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ यह जो आपका झूठा मैं है यह शुद्ध चेतन की क्या है छाया मात्र है तब ता आया पिंडवात्मतम मतम ऐसे समझो जैसे कोई लोहे की गेंद को तब ताय पिंड पिंड मतलब लोहे के गोले को कोई गर्म कर दे लाल हो गया अब लाल धर्म अग्नि का है अग्नि लाल होती लोहा तो लाल होता नहीं बट तो हमने लोहे और अग्नि को एक साथ कर दिया तो लोहे को जब गर्म किया तो लोहा कैसा हो गया लाल अग्नि और लोहे के उस पिंड के मिलने से पिंड भी लोहे का वो पिंड लोहे का वो बॉल भी आग जैसा लाल लाल और गर्म गरम हो गया गर्म धर्म अग्नि का है लाल धर्म अग्नि का है लोहे के पिंड में ना अग्नि है ना गर्म है लेकिन दोनों के मिल जाने से जैसे वो पिंड गर्म हो जाता है इसी तरह से ये जो तुम्हारा मैं है बुद्धि में जब छलका तो ये बुद्धि रूपी गोले को भी उसने अपने चेतना से चेतन स्वरूप बना दिया तो बुद्धि सोचने लगी मैं हूं और फिर इस शरीर को भी उसने जाना तो फिर कहती ये भी मैं हूं सब तरफ चौड़ी होके कह रही ये भी मैं हूं ये भी मैं हूं चेतन मुझ चेतन और बुद्धि रूपी गोले को मिलाया तो इसके धर्म उसमें चले गए उसके धर्म उसमें चले गए तो मैं अपने आप को बुद्धि मानने लग गए और बुद्धि अपने आप को चेतन मानने लग गई आई यू गेटिंग द पॉइंट इसे हम uh, कहते हैं अन्योन अन्य अध्यास इसका उसमें उसका इसमें चला गया अध्यास मतलब है नहीं पर प्रतीत होता है जो हाँ बुद्धि और मैं मैं सच्चितानंद और बुद्धि तो महाराज जड़ है लेकिन हम मेरे प्रकाश के मिलते ही ये बुद्धि क्या हो गई चेतन जैसी और मैं अपने आप को मान लग गया बुद्धि हो गया बुद्धू अब देखो सब जानना हो रहा है बुद्धि से राइट ये बात भी जो समझ रहे हो किससे समझ रहे हो हाथ से तुम्हारे पांव से तुम्हारी कोहनी से तुम्हारे घुटनों से कहां से समझ रहे हो बुद्धि से अब बुद्धि है जड़ पर समझने का काम कर रही क्यों क्योंकि बुद्धि में चेतन का प्रकाश रहे, तो बुद्धि जान रही है अच्छा मैं हूं ये जो फीलिंग है यह भी कहां से आ रही है बुद्धि से पर एक्चुअल में क्या है मुझ चेतन की ही इच्छा ना मैं बुद्धि ना बुद्धि में बना आहम मैं हूं शुद्ध चेतन स्वरूप पर माया देख लो कैसी बन गई बुद्धि में हूं नहीं बुद्धि में लगती है शरीर में हूं नहीं शरीर में लगता है मन में हूं नहीं मन में लगता है इंद्रिया में हूं नहीं इंद्रिया में लगता है तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि मैं लग रहे हैं जबकि ये मैं है ही नहीं यही है माया माया मतलब संसार नहीं है माया मतलब है भ्रम माया मतलब है अध्यास माया मतलब है इल्यूशन विच यू हैव यू आर सींग एज रियल असत सत लग रहा है शरीर में लग रहा है शरीर में है नहीं ये जो अहम अहम वृत्ति बनी किससे बनी तदात्मयात तदात्म मतलब तद आत्म तद मतलब उसके जैसा जब आत्मा बुद्धि के जैसा हो गया हो गया कि लग रहा है रस्सी सांप हो गई थी कि सिर्फ लग रही थी लगी रही थी ना ऐसे ही बुद्धि में लग रहा है बुद्धि में हूं नहीं मैं दृष्टा स्वरूप अच्छा ऐसे समझो ऐसे सूर्य चमचमा रहा था फिर बादल आ गए अच्छा बादलों ने सूर्य को ढका कि तुम्हारी आंख को ढका क्या बादल की यह औकात है कि वो सूर्य को ढक सके बादल ने ढका मेरी आंख को और दिन में रात हो गई रात हो गई जैसी लग रही या सच में रात हो गई मैं हूं वो चेतन सूर्य की न्यायी चमचमाता पर इस बुद्धि की आंख पर अज्ञान आ गया तो मैं अपना आप भूल के खुद को बुद्धि मानने लग गया